सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सारिका सिंह और मैं हूँ इस समय दिल्ली की जामा मस्जिद में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं इस जामा मस्जिद से। ये देखिए फ्रेंड, देख सकते हैं ये है दिल्ली के ओमैक्स मॉल और वहाँ पे ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसें टंगी हुई हैं। ये देखिए क्या भव्य सुंदर मॉल है, आके मजा ही आ गया। अभी जा रहे हैं, अभी ये नीचे है, जा रहे हैं इधर सेकंड फ्लोर पे, इधर सीढ़ियों से एलिवेटर सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर। फ्रेंड, ये मॉल अभी नया ही बना हुआ है। इस मॉल में अभी हम फर्स्ट बार आए हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर है। इसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और गजब की है। आ चुके हैं ऊपर फ्रेंड, आ चुके हैं अब ये थर्ड फ्लोर पे और देख सकते हैं थर्ड फ्लोर पे यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। ये देखिए वैसे इतने बड़े मॉल में हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। इसके पहले दुबई गए थे तब इतने ज़्यादा बड़े बड़े मॉल थे, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में ये फर्स्ट बार घूम रहे हैं जो कि मज़ा आ गया। दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल आज मैं वहाँ की सैर कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये थर्ड फ्लोर पे है। फ्रेंड, इस मॉल के अंदर ये देखिए छोटे छोटे झरने बने हुए हैं जो कि देखने में फ्रेंड, ये है तनिक्स का शोरूम। अभी तो मैंने यहाँ से कुछ भी लिया नहीं है, अभी हम आए हैं अकेले बेटी के साथ में और उसके बाद में हस्बैंड जी के साथ में आएंगे, तभी यहाँ शॉपिंग करना मुमकिन है। इस मॉल में फर्स्ट बार आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना पहले यहाँ पे विजिट कर लें, एक बार अच्छे से घूम टहल लें, उसके बाद दोबारा आएँगे तब यहाँ से शॉपिंग वगैरह करेंगे। यहाँ पर कॉफ़ी का आनंद लिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मज़ा आ गई। और खूबसूरत मॉल में बढ़ते हुए चल रहे हैं अब बाहर के लिए। यहाँ की जो ये एलिवेटर की सीढ़ियाँ हैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही हैं भाई, नया मॉल है नया, इसकी तो बात ही अलग है इस मॉल की।
मज़ा आ गया इस मॉल में घूम के और कॉफ़ी पीने। ये है एग्जिट एरिया, यहाँ से जाएंगे बाहर के लिए। जा रहे हैं अब बाहर। तो बाय बाय। आ चुके हैं बाहर अब इस मॉल में घूम के, बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आ गया। अब आ चुके हैं बाहर और बाहर का नज़ारा, मॉल के बाहर का नज़ारा कुछ इस टाइप से है, जो बाहर से ही देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे पानी में ये फ्लावर वगैरह पड़े हुए हैं। बाहर से देखने में ये मॉल कुछ इस टाइप से लग रहा है। ये देखिए आप लोगों को बाहर से ही दिखाते हैं। फ्रेंड, मॉल में घूम के मज़ा आ गया। तो आप खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं चांदनी चौक में, और आप लोगों को अभी चांदनी चौक का भी सैर कराते हैं। ये है दिल्ली का चांदनी चौक। चांदनी चौक के ही पास ये इतना बड़ा मॉल बना हुआ है। और फ्रेंड, बाहर का भी मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहावना है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो, ये है चांदनी चौक, दिल्ली का चांदनी चौक। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, शाम को यहाँ पे सभी लोग घूमने टहलने आते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी, फ्रेंड यहाँ पे रात में लोग फ़ोन भी छीन के ले जाते हैं, इस वजह से फ़ोन को मजबूती से पकड़ना भी ज़रूरी है। और हम ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना रहे हैं, अभी आगे चल के बनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए। सारा दिन दिल्ली का सफ़र करते करते अब शाम हो गई है, जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए, वहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि अब जाएंगे कानपुर के लिए। तो अभी तो स्टेशन के लिए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन। और शाम का नज़ारा कुछ इस टाइप से है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग देख सकते हैं अपनी अपनी ट्रेन। देखिए स्टेशन के बाहर, जिसकी जब ट्रेन का टाइम आएगा हाँ वो चले जाएंगे। और स्टेशन पे लाइटें देख सकते हैं इस टाइप से जल रही है, ये देखिए। और स्टेशन पर देख सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा रौनक हो रखी है। ये देखिए, ये देख सकते हैं। आ चुके हैं दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेशन पे, ये देख सकते हैं। देखिए स्टेशन पर कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग हो रखी है, ये देखिए पिक्चर की। फ्रेंड आ चुके हैं स्टेशन पे और अभी अपने ट्रेन आने का वेट कर रहे हैं। अभी बजे 11, मेरी ट्रेन आएगी 12 बजे। अभी एक घंटे स्टेशन पर वेट कर रहे हैं ट्रेन आने के लिए। ट्रेन आ चुकी है ये मेरी ट्रेन, और इसी से जाएंगे अब कानपुर के लिए। तो फ्रेंड ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे, तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट्स करें और अब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मैं सारिका से मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।